नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जब कर्ण की मृत्यु होनी थी महाभारत में, तो छल से उनका कुंडल छीन लिया गया, उनका जो आर्मर था उसको छीन लिया गया, और जब बिल्कुल मृत्यु शैया पर थे तो उनको ये ध्यान आया कि काल भैरव से जब उनकी मुलाकात हुई थी, जब एक राक्षस उनका मित्र बनकर घूम रहा था और भैरव जी ने उसको परास्त किया था, और क्योंकि कर्ण अपने मित्र के लिए खड़े रहते तो उनको आशीर्वाद दिया था कि जब आपको आवश्यकता होगी तो आप हमें याद करेंगे और हम आपकी तरफ से किसी भी युद्ध में आपका साथ देंगे। कर्ण जो है उन्होंने सोचा कि अब काल भैरव को बुला लेते हैं वरना मृत्यु तय है, लेकिन कर्ण को श्राप था कि जब अंत समय आएगा तो वो सारी विद्याओं को भूल जाएंगे। और इसका जो परिणाम हुआ कि कर्ण वो मंत्र भूल गए जिससे भैरव जी का आह्वान करना है। आज का ये वीडियो कर्ण के उस मंत्र को समर्पित, जो कि हम वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बहुत लोगों को ये जानना होता है कि भैरव जी के कौन से मंत्र को जाप करें कि उनका सर्व कार्यों की सिद्धि, तो जैसे मैंने दिया है कि तीन मंत्रों के विषय में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दो तीन मंत्र और बताऊंगा जिसको आप रोज जाप कर सकते हैं। पहले तो तीन मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसमें एक रक्षा मंत्र है, उसको सिद्ध करने का विधान बताऊंगा। दूसरा वशीकरण मंत्र है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और खुशहाल जीवन के लिए जो मंत्र है वो आपको बताऊंगा। इन तीन मंत्रों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र की सिद्धि कर्ण के पास थी और उस मंत्र के उच्चारण से काल भैरव उनके पास आने वाले थे। तो शुरू करते हैं। जो पहला मंत्र है वो आपकी सुरक्षा के लिए है। शुरुआत में इसको सिद्ध करने के लिए आठ माला आप रोज करेंगे, और जो आपका रुद्राक्ष का माला होगा उसमें एक नौमुखी रुद्राक्ष रहेगा जो गुरु पर रहेगा, गुरु पर्वत पर रहेगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में आप मुख करके नौ रात्रि तक इसकी साधना करें, आठ माला करेंगे, काले वस्त्र पहनेंगे और आसन जो है वो कम्बल का रखेंगे। इमरती का, काले उरद का, दही बाड़ा का आप भोग दे सकते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर मम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर मम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। एक बार और मंत्र सुनिए। ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर मम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। जो दूसरा वशीकरण का मंत्र है, इसमें जो भी जातक हैं जो अपने लिए वशीकरण करना चाहते हैं, ये वशीकरण वो नहीं है जिसमें कि आप किसी को अपने प्रति आकर्षित कर लोगे या फिर किसी लड़की को अपने प्यार में पागल कर दोगे, कोई पुरुष आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सर्वजन वशीकरण के लिए मंत्र होता है। तो इसका क्या उपाय होता है कि पांच तरह के गंधों को पहले मिलाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा गंध होता है वो? रक्त चंदन, श्वेत चंदन, एक मसाला आता है उसको कहते हैं तेज पत्ता, ठीक है, उसके बाद जटामसी और थोड़ा केसर। इन पांचों सामग्री को लेकर के मिला लेते हैं, ठीक है। मिला करके जब वो पूरा पेस्ट जैसा बन जाता है तो वो खल जिसमें उसको पीस रहे हैं, और हाथ में आपके लोढ़ी होनी चाहिए, और इसको मिलाते हुए इस मंत्र को बोलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, मंत्र का जाप तब शुरू होगा जब ये पूरा जो पांचों सामग्री है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें चमेली का एक दीपक जलाना है अपने बाईं ओर, और गूगल का धूप जलाना है दाईं ओर, और ईस्ट की तरफ आपका डायरेक्शन होगा। और ये पहला मतलब सुबह में 4 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में इस मंत्र जाप को कर लेना है। कितना? 108 बार।
ओम नमो बटुक भैरवाय काम देवाय यश यश दृश्यो भवामी यश चा मम सुखम तम तम मोहयतो साहा। ओम नमो बटुक भैरवाय काम देवाय यश यश दृश्यो भवामी यश मम सुखम तम तम मोहयतु स्वाहा। मतलब जिस जिसका दृष्टि हम पर पड़े वो सब हर एक व्यक्ति मुझे सुख दे और मुझसे मोहित रहे। ठीक है, ये दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र क्या है? ये मंत्र बड़ा जरूरी है। ऐसे तो इसको सिद्धि का विधान है। क्या सिद्धि का विधान है? इसको सिद्ध करने का विधान है कि आप 9 दिन तक, अच्छा पिछले मंत्र को सिद्ध करने के लिए वो 1 दिन में ही होता है इसलिए उसमें दिन नहीं बोला था। ये जो खुशी जीवन के लिए जो मंत्र है ये 11 दिन में सिद्ध होता है। इसमें सामने आप 5 दीपक रखेंगे। ठीक है, 5 दीपक के बाद जो है आप 5 लाल फल रखेंगे, उसके नीचे 5 लाल फूल रखेंगे और फिर 5 धूप दानी रखेंगे जिसमें कि गूगल जलता रहे। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर में ये पूरी व्यवस्था लगाने का, सबसे ऊपर में 1 फूल रखेंगे, उस पर इत्र समर्पित करके और नवेद भोग देंगे और फिर मंत्र का जाप करेंगे 11 माला। क्या माला? अच्छा, ये भी 12 से 3 दोपहर में करने वाला क्रिया है। क्या है मंत्र? ओम ह्रौम ह्रीम ह्रोम ह्लिम हुम ओम। भैरव जी का मंत्र जिसमें कहीं भैरव जी का नाम नहीं आता है, ओम ह्रौम ह्रीम ह्रूम ह्लिम हुम ओम। ओम ह्रौम ह्रीम ह्रूम ह्लिम हुम ओम। अच्छा, इन जितना भी आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ इसमें किसी में भी आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है, जाप करके ही इसकी सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं उस मंत्र पर जो भैरव जी ने कर्ण को दिया था, ये बताने के लिए कि आप जब भी इस मंत्र का जाप करोगे तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा। तो ये मंत्र का कर्ण ने वर्णन भी किया है और ये वो मंत्र है जो कि वो समय पर याद नहीं कर पाए, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई, तो भैरव बाबा जो है वो आ नहीं पाए। क्या मंत्र है? मंत्र है, इसको इसका जो विधान है वो सीधे गुरुमुख से होता है। ठीक है, इसका कहीं विधान लिखा हुआ नहीं है क्योंकि भैरव जी ने स्वयं कर्ण को दिया था, तो ये ऐसे भी ईश्वर उवाचा हो जाता है, मतलब ईश्वर ने बोला। मंत्र क्या है? ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। ओम भ्रम 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 क्रीम भ्रम 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 फट। ठीक है, इस मंत्र को जाप करेंगे तो भैरव जी का प्रत्यक्षीकरण होता है। जो भी भैरव जी के अनंत साधना में लगा हुआ है, जिनको भैरव जी को एक दिन देखना है, वो इस मंत्र का प्रयोग कर सकता है। अच्छा, गिनती संख्या, ये जब इष्ट को सिद्ध करना हो ना तो गिनती संख्या में नहीं फंसना चाहिए। तो मंत्र आसान है, इसको दिन भर जापते रहिए, कभी ना कभी भैरव महाराज जो है आप लोगों को जरूर दर्शन देंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधना सीखनी है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जिनको मेरा डायरेक्ट आर्टिकल्स पढ़ना है वो www.agurtantras.com पर चले जाएं। डायरेक्ट बात करने के लिए चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 मेरा प्रोफाइल है, तो उस पर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी पर कृपा बरसाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश आदेश।